हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आप सब लोग देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी वीडियोज बनाती रहती हूं और इसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या अदर रिलेशनशिप। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़ जाएँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, आज मैं 5 क्वेश्चंस पे बात करूंगी और उनके समाधान पे भी बात करूंगी। मतलब जो क्वेश्चन है हम उन्हीं पे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फेक इंसान को कैसे पहचाने। नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि लॉन्ग रिलेशनशिप को कैसे मजबूत बनाएं। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पार्टनर को बहुत सारे लोग जानते हैं तो क्या करें। नंबर 4, अगर हर बार आप ही कॉल करें, सामने से कॉल कभी नहीं आए, बार बार आपको ही कॉल करना पड़े, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। और नंबर 5, कोई आपको इग्नोर करे तो क्या करें। तो आज हम इन 5 क्वेश्चन को पूरा जवाब बताएंगे आपको कि ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए। वैसे काफ़ी वीडियोज मैंने बना दिए हैं, लेकिन आज ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, इन पर हम बात करेंगे कि ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नकली इंसान को कैसे पहचाने, फेक इंसान को कैसे पहचाने। तो सबसे पहली बात, जो फेक इंसान होते हैं वो आपके पास तभी आते हैं जब उनकी कोई आवश्यकता होती है, कोई ज़रूरत होती है। और दूसरा कि वो दिखावा बहुत करते हैं। तीसरा, दूसरों की हमेशा बुराई करते हैं। आपको कॉल भी तभी करेंगे जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होगा। और वो ऐसे इंसान की इज्जत करते हैं जो बहुत पावरफुल इंसान है। तो अगर इस तरह के आपको व्यक्ति दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वह इंसान फेक इंसान है या नकली इंसान है। नंबर 2, लॉन्ग रिलेशनशिप को मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके लिए आपको अपने पार्टनर के टच में रहना होगा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए आप उनसे अटैच रहिए, एक दूसरे की केयर करना, छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करना, छोटे छोटे गिफ्ट देना एक दूसरे को, मतलब कि हर पल ये महसूस कराना कि हम आपके पास हैं। आपका एक फीलिंग, जो आपका एहसास होता है, उनको हर पल होना चाहिए। तो किसी न किसी तरह से आपको ये फीलिंग उन तक पहुंचानी होगी कि आप उनके करीब हैं, एक अटैचमेंट है, मतलब कि छोटी छोटी बातें उनसे शेयर करना, छोटी छोटी खुशियाँ एक दूसरे से शेयर करना, कभी मौका आया तो गिफ्ट दे दिया, बिना मौके भी गिफ्ट दे देना, और कॉलिंग या कॉलिंग पे बात नहीं हो पा रही तो मैसेजेस के थ्रू। जब हम लॉन्ग रिलेशनशिप में होते हैं तो हर पल उस व्यक्ति को ये एहसास होना चाहिए कि आप उनके साथ हैं। ये साथ आप उनके हैं वो आप अपने तरीके से भी दिखा सकते हैं। जब एक दूसरे में फीलिंग होती है, एक दूसरे के लिए अटैचमेंट होता है, तो ऑटोमेटिक हमारा जो कनेक्शन होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। हम छोटी छोटी बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, और जैसा कि मैंने सारी चीज़ें बताई, तो ये है लॉन्ग रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का तरीका कि आप ये छोटी छोटी बातें करेंगे तो आप एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। अब बात आती है नंबर 3, यदि लोग आपके पार्टनर को पसंद करते हैं तो क्या करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी मतलब समस्या बन जाती है कि जब हमारे पार्टनर को कोई पसंद करने लगता है तो हमें लगता है कि हमारा पार्टनर कहीं उससे अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं उससे प्यार तो नहीं कर रहा है, कहीं उससे दोस्ती तो नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि लोगों को तो हम कुछ कह नहीं सकते, लोगों की फीलिंग है। अगर आपके पार्टनर को लोग पसंद करते हैं तो ये बड़ी समस्या नहीं है। ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपके पार्टनर भी उन्हें पसंद करते हैं, क्या आपके पार्टनर भी उन्हें अटेंशन देते हैं, क्या आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई मैसेज या कोई ऐसी चीज़ें होती है जो आपको लगे कि हाँ वो भी सामने वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, सामने वाला व्यक्ति उनको अटेंशन ना दे के आपको अटेंशन देता है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है और आप में ही सब कुछ देखते हैं, किसी और पे इंटरेस्ट नहीं रखते, सभी को इग्नोर करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये चिंता का विषय नहीं है। लोगों की भावना कैसी है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर आपके पार्टनर की भावना अच्छी है और वो किसी को पसंद नहीं करते, वो ज़्यादा लोगों को लाइक नहीं करते, ज़्यादा लोगों को अटेंशन नहीं देते, आपको ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, अगर आप ही बार बार कॉल करें और सामने से कॉल ना आए तो भी चिंता का विषय होता है। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि पहले आप ये तय कीजिए कि आप कितनी बार कॉल करते हैं। पता चले कि आप दिन भर उन्हें कॉल करते हैं
और उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो कॉल करे आपको, तो फिर ये गलत बात है। अगर आप एक या दो बार दिन भर में उनसे बात करते हैं, 7 दिन कॉल ना करें तो सामने वाला व्यक्ति आपको कॉल नहीं करता, तो आपको यहाँ पे थोड़ा रुकने की ज़रूरत है और 1-2 दिन आप बिल्कुल कॉल करना बंद कर दीजिए और फिर देखिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपको पहले से कॉल करता है तो समझ जाइए कि अभी भी आपकी प्रायोरिटी है उनकी लाइफ में, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। नंबर 5, कोई आपको इग्नोर करे तो क्या करें। अब यहाँ पे बात आती है कि आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है तो क्या करें। तो यहाँ पे अपनी इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार इग्नोर कर रहा है तो आप थोड़ा सा देखिए, जिस तरह से कॉलिंग के लिए मैंने बोला कि 1-2 दिन मत करिए, वैसे ही यहाँ पे है कि 1-2 दिन आप मैसेज या कॉल मत करिए, उनके टच में मत रहिए, उनके संपर्क में मत रहिए। उसके बाद देखिए कि अगर वो आपको प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं तो ठीक है, अगर वो तब भी आपको इग्नोर करते हैं तो आपको अपनी इमेज गिराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इंसान के साथ आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति आपको इग्नोर करता है और बार बार आप उससे चिपके जा रहे हैं, बार बार आप अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला आपको भाव दे, सामने वाला आपको ध्यान दे, तो ज़बरदस्ती ध्यान दिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता या आपके साथ रहना नहीं चाहता, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं समझ पा रहा है तो इसकी समस्या उसकी है, तो आपको अपनी इमेज गिराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उससे दूर हो जाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, बार बार अपनी इमेज गिराने की आवश्यकता नहीं है। इतने क्वेश्चन थे, उनके सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं यहाँ पे। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इन सवालों से सीख लीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, और ऐसा ही अगर आप करेंगे तो ऐसे सवाल आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। कमेंट करके बताइए कि आपके आसपास या आपकी लाइफ में कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, आपका 1 लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होता है और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो ऐसे सवालों में उलझे पड़े हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।